यामिनी घबराते हुए मन में सोचने लग जाती है, हे महादेव, ये युग बाबू के साथ क्या हो रहा है, कहीं माँ का शक सही तो नहीं। यामिनी के समझ नहीं आ रहा था वो क्या करे। वो युग की कलाई के निशान को चमकता हुआ देखकर बहुत ज्यादा घबरा गई थी। वो ये बात भी अच्छे से जानती थी कि अगर वो इस वक्त उठी तो कार्तिक पुजारी और कामेश्वरी यक्षिणी का ध्यान उसकी तरफ जाए या न जाए, पर बाकी सबका ध्यान युग पर जरूर चला जाएगा। और रज्जन तो युग के पास ही खड़ा हुआ है, इसलिए वो इस वक्त उठकर युग के पास भी नहीं जा सकती थी। वो नहीं चाहती थी कि बाकी सब भी युग के हाथ पर चमकते हुए उन निशानों को देखे, इससे युग मुसीबत में पड़ सकता है, सब वापस से युग के खिलाफ हो सकते हैं। धीरे धीरे यामिनी की घबराहट बढ़ते जा रही थी। एक तरफ यामिनी की घबराहट बढ़ते जा रही थी तो दूसरी तरफ युग की परेशानी भी और ज्यादा बढ़ते जा रही थी। जैसे जैसे मंत्रों की आवाज युग के कानों में जाती है, उसे और ज्यादा दर्द महसूस होने लग जाता है। अब तो उसे ऐसा लगने लग गया था जैसे कोई गर्मा गर्म लावा उसके कान में डाल रहा हो। युग तुरंत अपने हाथों को अपने कानों के पास ले जाता है और उन्हें बंद करने की कोशिश करने लग जाता है। जैसे ही युग अपने कानों को अपने हाथ से ढकता है, उसे कुछ गीलेपन का एहसास होता है। उसे ऐसा लगता है जैसे उसने किसी गीली चीज को छुआ हो। युग तुरंत अपने हाथ की हथेली को देखने लग जाता है। जैसे ही वो अपने हाथ की दोनों हथेली को देखता है, उसके होश उड़ जाते हैं। उसकी घबराहट एक बेचैनी में बदल जाती है। युग देखता है कि उसके दोनों हाथ की हथेली खून से सनी हुई थी, और ये खून किसी और का नहीं बल्कि उसी का था जो उसके दोनों कानों से धीरे धीरे निकल रहा था। युग घबराते हुए मन में सोचता है, ये मेरे साथ क्या हो रहा है, मेरे कानों से खून कैसे निकल रहा है। युग इतना तो समझ गया था कि ये सब उन मंत्रों के कारण हो रहा था जो मंदिर के अंदर गूंज रहे थे। युग एक पल भी उन मंत्रों को और नहीं सुन पाता। वो अगले ही पल हड़बड़ाहट के साथ अपनी जगह पर खड़ा हो जाता है। जैसे ही युग खड़ा होता है, जैसा यामिनी ने सोचा था वैसा ही होता है। कार्तिक पुजारी और कामेश्वरी यक्षिणी तो अपनी पूजा करने में ही लगे रहते हैं, पर बाकी सबका ध्यान हलचल के कारण उसकी तरफ चले जाता है। युग ना आव देखता है न ताव, फुर्ती के साथ मंदिर से बाहर निकलने लग जाता है। युग को ऐसा करते देख बाकी सबको बहुत अजीब लगता है, पर वो लोग अपनी जगह पर ही बैठे रहते हैं। यामिनी घबराते हुए मन में सोचने लग जाती है, हे महादेव, अब ये युग बाबू कहाँ जा रहे हैं। यामिनी परेशान होते हुए खुद से कहती है, मुझे भी युग बाबू के पास जाना होगा, पर अगर मैं इस वक्त उठी तो बाकी सबका ध्यान भी मेरी तरफ चले जाएगा और वो सब समझ जाएंगे कि कुछ गड़बड़ है, इसलिए मैं ऐसे ही नहीं उठ सकती हूँ। पर मैं युग बाबू को अकेला भी नहीं छोड़ सकती हूँ। माँ ने मुझसे कहा था कि मुझे युग बाबू की परछाई बनकर उनके साथ रहना है, कभी उन्हें अकेला नहीं छोड़ना है, इसलिए मुझे युग बाबू के पीछे जाना ही होगा, पर मैं कैसे जाऊँ। यामिनी सोचने लग जाती है कि वो क्या ऐसा करे कि मंदिर से बाहर निकल जाए और किसी का उस पर ध्यान भी ना जाए। इस तरफ मंदिर से बाहर निकलकर युग लगातार अपने कदम आगे बढ़ाए जा रहा था। जैसे जैसे वो मंदिर से दूर जाते जा रहा था, उसे मंत्रों की आवाज सुनाई देना कम होते जा रही थी और उसी के साथ उसके कान का दर्द भी कम होते जा रहा था। अब उसके कान में से खून नहीं निकल रहा था। जैसे ही युग कुटिया के पास पहुंचता है, वहां पर उसे कार्तिक पुजारी और कामेश्वरी यक्षिणी के मंत्र पढ़ने की आवाज बिल्कुल भी सुनाई नहीं देती है। उसके कान दुखने भी बंद हो जाते हैं, साथ ही कलाई पर मौजूद जिन निशानों में से पीली रोशनी निकल रही थी वो भी निकलनी बंद हो जाती है। सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। युग चैन की सांस लेने लग जाता है, पर उसकी बेचैनी अभी भी कम नहीं हुई थी। उसके चेहरे को देखकर साफ समझ आ रहा था कि वो काफी ज्यादा परेशान है। युग अपने दोनों हाथों को देखते हुए हैरानी के साथ खुद से कहता है, इसका मतलब ये जो कुछ भी हो रहा था वो उन मंत्रों के कारण हो रहा था, उसी के कारण मेरे कानों में से खून निकलने लग गया था, पर ये सब मेरे साथ ही क्यों हो रहा था। युग जैसे जैसे इस बारे में सोचते जा रहा था, उसकी परेशानी और भी ज्यादा बढ़ते जा रही थी। वो समझ ही नहीं पा रहा था कि उसके साथ ये सब क्यों हो रहा था। युग परेशान होते हुए ही खुद से कहता है, कहीं ये सब मेरे साथ इसलिए तो नहीं हो रहा है क्योंकि मैं भक्षानर का वंशज हूँ और मैंने भी कई लोगों का शिकार किया है जिस कारण मैं बुरा बन गया हूँ और इन दैवीय मंत्रों को सुन नहीं पा रहा हूँ। युग इस बारे में सोच ही रहा था कि तभी उसे एक लड़की की आवाज सुनाई देती है, युग बाबू। जब युग पीछे मुड़ता है तो वो देखता है कि उसे पुकारने वाली कोई और नहीं बल्कि यामिनी थी। युग यामिनी को हैरानी के साथ देखते हुए कहता है, यामिनी तुम यहाँ पर क्यों आई। यामिनी बड़े प्यार से कहती है, आना पड़ा युग बाबू आपके लिए। युग के चेहरे पर घबराहट अभी भी नजर आ रही थी और यामिनी समझ गई थी कि यह घबराहट किस चीज की थी। यामिनी तुरंत युग से बोल पड़ती है, फिक्र मत करिए युग बाबू, बाकी सब मंदिर के अंदर ही हैं। मैं बहुत आहिस्ते से मंदिर के अंदर से निकल कर आई हूँ। युग चुप ही रहता है, पर उसकी बेचैनी अब थोड़ी कम हो गई थी। यामिनी तुरंत युग का हाथ पकड़ती है और उसकी कलाई देखने लग जाती है।
यामिनी की इस हरकत से युग इतना तो समझ ही जाता है कि मंदिर के अंदर यामिनी ने उसके निशानों से पीली रोशनी निकलते हुए देख ली थी, तभी वो इस तरह उसका हाथ देख रही है। यामिनी को युग के निशानों में से पीली रोशनी तो निकलते हुए नजर नहीं आती है, पर उसके खून से सने हुए हाथ जरूर नजर आ जाते हैं। यामिनी घबराते हुए युग से पूछती है, युग बाबू ये खून कैसा, क्या हुआ आपको? युग बात को छुपाने की कोशिश करते हुए कहता है, घबराओ मत यामिनी, कुछ नहीं हुआ है। यामिनी परेशान होते हुए कहती है, कैसे ना घबराऊं युग बाबू, यहाँ आपके हाथों में खून है और आप कह रहे हैं कि कुछ नहीं हुआ है, ये खून किसका है बताइए मुझे। युग समझ गया था कि उसे यामिनी को सब कुछ बताना ही होगा, अब कुछ भी छुपाने से कोई मतलब नहीं था। यामिनी ने युग के निशानों से रोशनी निकलते हुए तो देख ली थी, पर उसके कानों से खून निकलते हुए मंदिर के अंदर नहीं देखा था, यही कारण था कि वो उससे ऐसे सवाल कर रही थी। युग हिम्मत करते हुए यामिनी से कहता है, ये खून मेरा ही है यामिनी, मेरे कान से निकला है, वो भी उन मंत्रों को सुनने के कारण जिसका जाप पुजारी जी और कामेश्वरी जी कर रहे हैं। यामिनी तुरंत युग के कानों को छूती है और पाती है कि अब उसके कानों से खून नहीं निकल रहा था। यामिनी युग का हाथ कसकर थामते हुए कहती है, कुछ नहीं हुआ है युग बाबू, सब ठीक है। युग भावुक होते हुए कहता है, नहीं यामिनी कुछ ठीक नहीं है, मैं बुरा बनते जा रहा हूँ, तभी तो इन पवित्र मंत्रों को नहीं सुन रहा हूँ, ये कांटों की तरह मेरे कानों में चुभ रहे हैं। यामिनी युग को समझाने की कोशिश करते हुए कहती है, नहीं युग बाबू ऐसा कुछ नहीं है, कान से खून निकलने की कोई दूसरी वजह भी तो हो सकती है। युग अपनी बात पर अड़ते हुए कहता है, नहीं यामिनी यही सच है, मैं बुरा बन रहा हूँ, कैसे ना बनूंगा, मैं भी उस भक्षानर का वंशज जो हूँ, मुझे तो लगता है कि मैं भी भक्षानर ही बन गया हूँ। यामिनी तुरंत युग को अपनी बाहों में भरती है और उससे बड़े प्यार से कहती है, नहीं युग बाबू आप कभी भक्षानर नहीं बन सकते, क्योंकि आप बहुत अच्छे हैं, मैं जानती हूँ आपको, आपके अंदर अच्छाई कूट कूट कर भरी है। यामिनी को अपने आप पर इतना भरोसा करते हुए देख युग की आंखें नम होने लग जाती है, उसकी आंखों में बड़े बड़े आंसू आने लग जाते हैं। अगले ही पल युग की आंखों से सैलाब बहने लग जाता है। युग यामिनी को अपने सीने से दूर करते हुए रोते हुए कहता है, नहीं यामिनी मैं बहुत बुरा हूँ, तुम कुछ नहीं जानती हो इसलिए ऐसा बोल रही हो, मैं सच में बहुत बुरा हूँ, मैंने फिर से शिकार किया है। जब यामिनी युग के मुँह से ये बात सुनती है तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है, उसकी दुनिया जैसे एक पल में हिल गई हो। यामिनी अपनी दोनों भवें ऊपर उठाते हुए हैरानी के साथ युग से पूछती है, आपने फिर शिकार किया पर कब युग बाबू? युग यामिनी को पूरी बात बताते हुए कहता है, उसी अष्टमी की रात यामिनी, जिस रात मैं कामेश्वरी जी से मिलने के लिए घाट पर गया था, जब मैं वहां पर साधना करने के लिए गया था तो वहां पर एक मछुआरा था जो वहां से जा ही नहीं रहा था, मछलियां पकड़ रहा था। उस मछुआरे को देखकर पता नहीं मुझे क्या हुआ, कैसे मैंने उसका शिकार कर लिया मुझे कुछ याद नहीं। यामिनी हैरानी के साथ कहती है, पर उस रात तो अष्टमी थी, आप तो पूर्णिमा और अमावस्या की रात शिकार किया करते थे ना, वो भी अपनी शक्तियां बढ़ाने के लिए, फिर अष्टमी की रात आपने शिकार कैसे कर लिया? युग परेशान होते हुए कहता है, यही बात तो मेरे भी समझ में नहीं आई यामिनी, कि मैंने क्यों उस मछुआरे का शिकार किया, वो भी अष्टमी की रात। सच तो ये है कि मैं उस मछुआरे का शिकार ही नहीं करना चाहता था, मेरे अंदर की काली शक्तियां खुद मुझ पर हावी हुई और उन्होंने उस मछुआरे का शिकार किया। मुझे तो इस बात का एहसास भी तब हुआ जब मैं उस मछुआरे को मार चुका था। यामिनी के समझ ही नहीं आता कि वो युग से क्या बोले, पर युग की बातें सुनकर वो इतना जरूर समझ गई थी कि कामेश्वरी यक्षिणी ने उससे जो भी कहा था सच कहा था, युग के साथ कुछ ना कुछ गड़बड़ तो जरूर था। युग फिर रोते हुए यामिनी से बोल पड़ता है, सिर्फ शिकार नहीं यामिनी, मैं तो ग्रेवयार्ड कोठी के पीछे जो कुआं है उस कुएं के पास भी नहीं जा पा रहा हूँ, वही कुआं जिसके पास वो भक्षानर का अंश भी नहीं जा पाता है। अब तो तुम मानती हो ना कि मैं बुरा हूँ, मैं भी भक्षानर बन गया हूँ। यामिनी जानती थी कि इस वक्त युग को दिलासे की सख्त जरूरत है, युग पहले से ही टूटा हुआ था, वो उसे और नहीं तोड़ सकती थी, इसलिए यामिनी वापस से युग को अपनी बाहों में भरती है और रोते हुए बोल पड़ती है, नहीं युग बाबू मैंने कहा ना आप बुरे नहीं है, ऐसा ख्याल अपने दिमाग में ही मत आने दीजिए। युग रोते हुए कहता है, तो फिर तुम ही बताओ ये सब मेरे साथ क्यों हो रहा है यामिनी, क्यों मैं अपनी मर्जी के बिना शिकार कर रहा हूँ, क्यों मैं कुएं के पास नहीं जा पा रहा हूँ। इस वक्त यामिनी के दिमाग में बस एक ही उपाय आया था और वो हमदर्दी के साथ तुरंत युग से बोल पड़ती है, ये सब उस काले साए की शक्ति बढ़ने के कारण हो रहा है युग बाबू, न कि इसलिए कि आप बुरे हैं, बस एक बार आप तारा की शक्ति जागृत होने दीजिए, फिर देखना जैसे ही माँ और तारा मिलकर उस भक्षानर का अंत करेंगी, ये सब जो भी आपके साथ हो रहा है वो होना भी बंद हो जाएगा। युग चुप ही रहता है, यामिनी से कुछ नहीं कहता है। यामिनी अपने हाथ युग की पीठ पर फेरते हुए उसे हमदर्दी का एहसास कराते रहती है।
यामिनी युग का चेहरा देखते हुए आहिस्ता से कहती है, युग बाबू आपने इन सब के बारे में किसी को बताया तो नहीं है ना? युग नाम में अपना सिर हिलाते हुए कहता है, नहीं यामिनी, तुम बस पहली हो जिसे मैं ये सब बता रहा हूँ। यामिनी पलट कर कहती है, आप इस बारे में किसी और को बताना भी नहीं युग बाबू, अभिमन्यु को भी नहीं। युग हैरानी के साथ पूछता है, पर क्यों यामिनी? यामिनी कहती है, युग बाबू मैं नहीं चाहती कि इस बारे में किसी को भी पता चले, ये बात आपके और मेरे बीच में ही रहनी चाहिए। युग यामिनी की बात मानते हुए कहता है, ठीक है यामिनी, मैं किसी को इस बारे में नहीं बताऊंगा। कुटिया का जो द्वार था उसके सामने एक बड़ा सा समतल पत्थर रखा हुआ था। युग और यामिनी वहां पर जाते हैं और उस पत्थर पर बैठ जाते हैं। यामिनी अपना सिर युग के कंधों पर रख लेती है और उसे अपनेपन का एहसास कराने लग जाती है। जीवन में कभी कभी किसी का हाथ थामने से ही जीवन की सारी परेशानियां खत्म हो जाती हैं, और इस वक्त युग ने भी यामिनी का हाथ थाम लिया था। यामिनी का मन ही नहीं करता कि वो युग को अकेला छोड़कर वापस से मंदिर के अंदर जाए। वो जानती थी कि वो युग को अकेला नहीं छोड़ सकती है, इस वक्त युग को उसकी सबसे ज्यादा जरूरत है, इसलिए वो युग के पास ही बैठी रहती है, अंदर नहीं जाती है। देखते ही देखते शाम होने लग जाती है, पर यामिनी युग के कंधों पर अपना सिर रखकर उसके पास ही बैठी रहती है। वो एक पल के लिए भी युग को अकेला नहीं छोड़ना चाहती थी। युग और यामिनी वहां पर बैठे हुए थे कि उन्हें अभिमन्यु और डायना नजर आते हैं, जो उन दोनों की तरफ ही कदम बढ़ा रहे थे। अभिमन्यु और डायना को इस तरह अपनी तरफ आते देख यामिनी तुरंत युग के कंधे पर से अपना सिर हटा लेती है। यामिनी मन में सोचने लग जाती है, ये दोनों इस तरफ क्यों आ रहे हैं? युग के भी समझ नहीं आ रहा था कि डायना और अभिमन्यु इस तरह उनके पास क्यों आ रहे हैं। युग और यामिनी किसी फैसले पर पहुंच पाते उससे पहले ही अभिमन्यु और डायना उनके पास पहुंच जाते हैं। अभिमन्यु तुरंत युग और यामिनी से पूछ पड़ता है, तुम दोनों जब से यहाँ बाहर क्या कर रहे हो? तुम्हें तो मंदिर में होना चाहिए था। युग कुछ कहता उससे पहले ही यामिनी बोल पड़ती है, युग बाबू तो मुझसे बोल रहे थे अंदर चलने का, पर मैंने ही मना कर दिया। अभिमन्यु हैरानी के साथ कहता है, मना कर दिया पर क्यों? यामिनी झट से बहाना बनाते हुए नाटकीय ढंग से कहती है, वो क्या है ना, आज का मौसम बहुत अच्छा था और दिन भी, मुझे और युग बाबू को अकेले वक्त बिताए काफी वक्त हो गया था, इसलिए मैंने युग बाबू को यहीं पर मेरे साथ रुकने के लिए बोल दिया, ताकि हम प्यार भरी दो बातें कर सके। डायना यामिनी को घूरते हुए कहती है, यामिनी यही बात है या फिर कुछ और बात है? यामिनी अपनी बात पर अडिग रहते हुए कहती है, यही बात तो है डायना, अब तुम्हारा जोड़ीदार रोमांटिक नहीं है तो क्या हुआ, पर मेरे युग बाबू तो है ना। यामिनी के ये बात कहते ही डायना यामिनी को गुस्से के साथ घूरने लग जाती है, पर पलट कर कुछ नहीं कहती है। युग खांसते हुए बात को बदलते हुए कहता है, ये सब छोड़ो, तुम दोनों यहाँ पर क्यों आए हो? कामेश्वरी जी का आज का यज्ञ पूरा हो गया क्या? अभिमन्यु कहता है, नहीं युग, आज का यज्ञ पूरा होने में तो अभी काफी वक्त है। यामिनी झट से पूछ पड़ती है, फिर तुम दोनों यहाँ पर कैसे, वो भी एक साथ? अभिमन्यु कहता है, वो हमें कहीं जाना है। यामिनी हैरानी के साथ पूछती है, जाना है पर कहाँ? सदियों से है पुरानी ये है यक्षिणी की कहानी। यक्षिणी एक आग है, यक्षिणी तेरा ख्वाब है।